बोला इंद्र, तो हम लोग आप लोग वीडियो में, वीडियो नहीं रील या पोस्ट में देखा होगा, हम लोग गुरुवायूर टेम्पल विजिट किया था। जल्दी जल्दी नहीं आती थी, तो हम लोग विजिटिंग सब हो गया, अच्छे से भगवान को देख लिया है ना। हम लोग क्या है ना, एक अराउंड 6 इयर्स बैक है ना शिशु, हम लोग एक बार आए था गुरुवायूर में दर्शन के लिए। तब हम लोग कुछ काम के लिए केरल आया था। क्या है ना, हम लोग उधर दर्शन के लिए रूम ले लिया, दर्शन के लिए गया तो बहुत क्यू था। कुछ प्रॉब्लम की वजह से टेम्पररी क्यू बंद कर दिया था, बाद में 1-2 आवर करके छोड़ेंगे करके। तब हम लोगों को कुछ इमरजेंसी था, हम लोग दर्शन नहीं किया था। फिर उसके बाद पहली बार हम लोग सोचा इस बार तो दर्शन करके आएंगे, भगवान की कृपा से दर्शन तो हो गया, तो अभी वापस हम लोग जा रहे हैं। सेम वापस जाने के लिए क्या है ना, अभी तो अराउंड 5:30 के ऊपर हो गया, तो हम लोग है ना दोपहर का लंच वगैरह नहीं खाया। शोशु टाइम देखने के लिए क्या कर रही है ना, वॉच को ऐसे कर रहे हो फोन करने के लिए। अराउंड 6:15 हुआ है, तो हम लोग ओन दी वे टू बेंगलुरु। तो हम लोग केरला में ना बहुत दिन से बिरयानी खाने के लिए आशा है। एक बार कहाँ जाए तो वायनाड जाते वक्त बिरयानी खाया था ना हम लोग, एक होटल में आफ आफ करके। तो मैं और शोशु बोला बिरयानी का था हम लोग जाके करके, दो बिरयानी है ना ऑर्डर किया है। तो अभी बिरयानी खाने के बाद आज हम लोग सोच रहे हैं नाइट ट्रेड वापस जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को वापस जाना है बैंगलोर के लिए। अभी और एक दिन रुकने का ऐसा नहीं है, क्योंकि बस होटल बस खर्च वैसे होते हैं ना, दर्शन तो हो गया भगवान का, अभी वापस जाएंगे। तो बिरयानी खाने के बाद हमारा जर्नी शुरू करें है ना शोशु। दे दो शोशु एक मिनट बात करें। विश कैसे था गुरुवायूर गया तो? अच्छा, दर्शन हो गया ना, हैप्पी फुल हैप्पी। तो अभी जाएंगे फिर। शोशु है ना वीडियो में बात करना नहीं चाहती, हाँ बार बार वो कमेंट आते हैं। शोशु का काम है ना, हाँ शोशु का काम है ना वीडियो लेना, एडिटिंग कटिंग करना है। हाय फ्रेंड्स, क्या होती है ना हमारे वीडियो में हम लोग कुछ रूल्स होते हैं ना, उसमें क्या है ना शोशु का काम क्या होते हैं वीडियो में कटिंग करना, एडिटिंग करना, वीडियो लेने का उसकी इंटरेस्ट हुई है। फिर छोटे मोटे मेरे साथ आते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ कमेंट मैंने रिसेंट में देखा था, साथ में आती है कुछ बोलती नहीं, क्या बोलने का है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं वही बात बोला, वो मैं ही बोलती हूँ, इसलिए वो कमेंट बार बार लिखते तो कुछ है। अच्छा नहीं, नहीं, नहीं। बार बार हम लोग भी उसका रिप्लाई देना भी नहीं चाहती। अभी फिर नहीं बात इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं, वो करती है उसका काम, ठीक से वीडियो लेना वो करती है, उसका एडिटिंग कटिंग करती है, कोई उसका काम कर रहे हैं। मेरा काम है बकबक करने का, तो क्योंकि व्लॉग बनाने का मैं ही बोलती हूँ है ना, एडजस्ट करती हूँ। ओके, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। तो हम लोगों को बिरयानी आ गया, तो बिरयानी जल्दी खाएंगे है ना शोशु, क्योंकि दोपहर को हम लोग खाना नहीं खाए, बहुत टाइम हो गया है ना शोशु, नाश्ता खाया उसके बाद कुछ भी नहीं। तो हम लोग जल्दी बिरयानी खाएंगे फिर हमारा राइड शुरू करेंगे। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। बाय। तो बिरयानी सब खाने के बाद, बिरयानी सब खाने के बाद हम लोग राइड शुरू हो गया। अभी टाइम तो अराउंड 7:20 हो गया पीएम। तो नाइट राइड कर रहे हैं हम लोग केरला थ्रू है ना। हम लोग पिछली बार तो कैलडाक में जाते वक्त कन्याकुमारी टू बैंगलोर हम लोग नाइट राइड किया था। इस बार हम लोग ट्राई कर रहे हैं केरला से बैंगलोर है ना, एर्नाकुलम टू बैंगलोर। तो हम लोग देखेंगे कैसे है रोड हालत सब देखकर फिर तो डिसीजन ले लेंगे। तो अभी आगे जाएंगे, इधर थोड़ा पेट्रोल भर लिया, फ्रेशअप हो गया, देख लो। ये तो अंगमाली पेट्रोल पंप है, हम लोग रेगुलर पहले भी इधर आती थी। तो अभी आगे जाएंगे शोशु, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। देख लो पेट्रोल भरने के बाद फिर से हमारा नाइट राइड शुरू हो गया। देख लो नाइट होने से लाइट वगैरह अच्छा लग रहा है ना शोशु।
ये तो अभी हाईवे है ना, धीरे धीरे हम लोग जाएंगे, कितने टाइम तक राइड करेगा अभी कुछ भी हम लोग फिक्स नहीं किया है, कुछ आइडिया चेंज हो गया तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना शोशु। तो अभी तो जाना है, ऐसे ही जाएंगे तो चले आगे। अभी देख लो हम लोग कुदिरान टनल के पास आ गए, द फेमस कुदिरान टनल फ्रॉम वडकांजेरी केरला। तो हम लोग क्या है ना, अभी कुदिरान टनल के पास में, पहले हम लोग डे राइड में आप लोगों को कुदिरान टनल तो दिखाया था, एक छोटा सा टनल है तो भी बहुत मदद हो गया सब लोगों को, नहीं तो इधर बहुत टाइम वेस्ट होते थे पहले जाते वक्त। देख लो अब लोग धीरे 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 अभी एंट्री हो गया कुदिरान टनल, तो देख लो कितना लाइट में अच्छे दिख रहे हैं ना जाने के लिए। तो अभी बारिश का थोड़ा ऐसे ही है, ड्रिसलिंग भी होते रहते हैं, इसलिए हम लोग धीरे धीरे ही जाएंगे। अभी बहुत गाड़ी तो जा रहे हैं, देख लो अभी नाइट राइड में भी देख लो बहुत गाड़ी अभी हाईवे में जाते हैं, ऐसे सूना सूना कुछ भी नहीं, पूरा हाईवे भरा हुआ है। तो हम लोग अभी कुदिरान टनल के अंदर से ही राइड कर रहे हैं फ्रॉम केरला नाइट राइड। तो धीरे धीरे हम लोग अभी बाहर जाएंगे, देख लो अच्छा लग रहा है ना, नाइट राइड करने में एक अलग खूबसूरती होते है। तो देख लो अभी धीरे धीरे हम लोग कुदिरान टनल के बाहर जाने के लिए है, अभी बाहर का एंट्री तो आएगा, मीन्स एंट्री मीन्स एग्जिट, एग्जिट तो आएगा। अभी देख लो एक छोटा सा टनल है तो भी ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हैं इसके अंदर से। अभी देखो अभी देख लो, तो अभी क्या है ना, ये हम लोग बहुत टनल पास करते तो भी अभी देखो हम लोग टनल से बाहर आ गया। पीछे से देख लो टनल की खूबसूरती, शोशु तो पीछे व्यू, हम लोग बैक साइड का व्यू दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो अभी हम लोग धीरे धीरे आगे जाएंगे, अभी तो क्या करना है, कितने टाइम जाना है कुछ भी मालूम ले, चले आगे। हाय, तो अभी हम लोगों का नाइट राइड है ना, हम लोग वडकांजेरी आ गया, कुदिरान सब आप लोग देख लिया ना, वडकांजेरी आने से हम लोग रेगुलर है ना, इधर चिप्स शॉप पे हम लोग मलबार चिप्स है ना, कितनी साल से हम लोग इधर से लेते हैं। हम लोग सालों से डे में आए तो कहीं भी आते तो एक ही शॉप में लेते, इधर से लेते हैं। तो अभी हम लोग 1 kg ये बनाना चिप्स ले लिए, एक 260 कुछ है ना चुके जी, हाँ। और एक छोटा सा वो भी लिया था ना, टोटल 280 हो गया। तो अभी अराउंड 9 o'clock हो गया, तो हमारा नाइट राइड इधर तक आ गया है। अभी आगे हम लोग कितनी दूर जाएगा कुछ भी आइडिया नहीं है, बाद में बात करेंगे, तब तक के लिए छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर मिलेंगे। शोशु शोशु कहाँ है, आ जाओ बच्ची, देखो रेडी है शोशु। ये रूट में आप पहली बार है ना नाइट राइड करते हैं ना शोशु। हम लोग कन्याकुमारी वो बेंगलुरु रूट तो गया है ना, इधर रखो जगह है तो हाईवे देख लो, ये तो बेंगलुरु हाईवे ही है। अभी ये तो क्या पालक्काड आएगा, फिर तो ऐसे 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 जाना पड़ेगा ना, वालयार आएगा, तो देख लिया है ना अभी। तो हम लोग आगे जाएंगे, शोशु पेप्सी पी रहे हैं, फुल ड्रिंक्स ऐसे ही बोलना चाहिए ना शोशु। ये क्या होती है ना शोशु, पुराने में ये हम लोग है ना बिस्लेरी पीती थी ना, अभी सब लोग कोई भी मिनरल वाटर लेते तो कैसे बोलेगा, बिस्लेरी बिस्लेरी ऐसे ही है ना। हाँ हाँ, पूरा खाली हो गया, हाँ नहीं। तो हम लोग आगे जाएंगे, नहीं इधर ही इधर ही, तो आगे जाएंगे फिर। तुम बोलते हैं ना मैं गाड़ी में पीछे बैठते तो नहीं, तो इधर ही रखो, सेम डायलॉग। ये शोशु क्यों ऐसे मजाक कर रहे हैं ना, कभी कभी हम लोग राइडिंग शुरू करते तो क्या है ना, मैंने गाड़ी में मैं बैठ कर स्टार्ट करने से शोशु मुझे पूछेगा मैं बैठूँ, मैंने बताया नहीं तुम इधर ही रहो मैं जाती हूँ, इसलिए अभी पंच कर रहे, पंच मार रहे।
आगे देखो चिप्स सब लेने के बाद फिर से हमारा नाइट राइड शुरू हो गया। तो अभी ये तो वडक्कांचेरी है, अभी और दूर है, अभी नेक्स्ट क्या है, मेन वाड़ेयार आएगा, केरला तमिलनाडु बॉर्डर है ना शोशु। तभी देखो फ्लाईओवर में जाते तो कितना लाइट है, अभी अराउंड 9 o'clock के ऊपर हो गया ना शोशु टाइम। तो अभी जाना है, कितने टाइम तक चलाएगा देख लेंगे। अभी थोड़ा हम लोगों का आइडिया थोड़ा चेंज हुआ है, वो बाद में उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हम लोग अभी वाड़ेयार की तरफ तो जा रहे हैं, है ना शोशु। yes. तो चले आगे, तो देख लो हम लोग है ना, अभी 10 o'clock हो गया ना। हाँ। 10 o'clock हो गया तो हम लोग एक ब्रेक ले लिया है, फिर बाद में अंदर जाकर बात करेंगे शोशु। अभी तो लाइट कम है, दिक्कत है, एक मिनट। अरे वाह शोशु, लाइट कम में बोल रहे थे शोशु, लाइट लेकर आ गई देखो। तो अभी हम लोग एक प्लेस में है, बाद में दिखाते हैं। हाँ, फिर बारिश हो रही है। तो हम लोग अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लिया, बाहर बोला है लाइट कम था, अंदर आने से। हम लोग ये वाड़ेयार है ना, केरला तमिलनाडु बॉर्डर आते, तो उधर वाड़ेयार में ट्रैवल लॉन्च करके एक है, तो हम लोग ने देखा था। तो एक बार हम लोग सोचे एक्सपेरिमेंट करके जाएंगे करके आगे इधर। तो हम लोग क्या ना 4 hour ब्रेक लेने के लिए, तो 299 rupees है 4 hour ब्रेक, 4 hour और प्लस टॉयलेट फैसिलिटी तो मिलेगा। तो हम लोग क्या है ना चेक कर लें। तो चले हम लोग, एंट्री हो गया, डोरमेट्री की तरह है ये, तो बंगर बेड जैसा है ना शोशु, सिंगल डबल ऐसे ही है, बस कवर कर सकते हैं। एक मुझे अच्छा नहीं लगा, मीन्स कॉमन है ना, जेंट्स लेडीज सब फैमिली एक ही में है, फिर भी अपना अपना प्राइवेसी जैसा कवर करके एक बॉक्स की तरह। हम लोग है ना दो, पहले सिंगल सिंपली 2 bed का ले लिया, क्योंकि दूर दूर में होते तो फिर टेंशन होगा करके। और एक बात क्या है, इधर मोबाइल फ़ोन यूज़ कर नहीं सकते हम लोग है ना, साउंड नहीं होने के लिए। सब लोग रहते तो रेस्पेक्ट तो करना चाहिए, उनका रूल्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं ना शोशु। तो हम लोग सोचा साउंड कम करके ऐसे, इसलिए ज़्यादा वीडियो में हम लोग बात नहीं किया है। तो पर हेड 299 rupees फॉर 4 hour। बाथरूम है इसके अंदर नहीं, वो भी सेपरेट है, फिर भी नीट एंड क्लीन है, सेफ्टी तो है, फिर भी मुझे कॉमन है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा है ना शोशु। सेपरेट सेपरेट है तो अच्छी थी जेंट्स लेडीज का। तो अभी आगे देखेंगे। तो 4 hour हम लोग रेस्ट ले लिया उधर है ना शोशु। अभी अराउंड 2:30 में हमारा जर्नी फिर से शुरू हो गया, अभी 2:43 हो गया, उधर से 2:30 हम लोग निकल गए, यू टर्न करके आना पड़ा था। तो देख लो अभी ये तो वाड़ेयार है, तमिलनाडु केरला बॉर्डर है, वाड़ेयार है। अभी अराउंड 2:43 हो गया, देखो हम लोग अभी तमिलनाडु एंट्री हो जाएगा। चले आगे, से अभी तमिलनाडु एंट्री हो गया। अभी थोड़ा पेट्रोल भरना है ना शोशु, कल थोड़ा भूल गया हम लोग। हाय, तो अभी हम लोग है ना पेट्रोल भर लिया है ना शोशु। हाँ। पेट्रोल भरने के बाद फिर चाय के लिए देख देख कर अभी शॉप आ गए, तो हम लोग सोचा चाय पीकर फिर आगे जाएंगे। अभी सेलम के लिए अराउंड 100 kilometers कुछ है, तो हम लोग सोचा 10 minutes, क्योंकि 2:30 के बाद स्टार्ट किया है ना, अभी 4:30 के ऊपर हो गया, तो उसको भी थोड़ा एक थोड़ी देर रेस्ट दे दूँ। हम लोग चाय पी लिया, फिर हम लोग 5 minutes इधर बैठेंगे, गाड़ी उधर है, अभी बहुत लोग हैं ना रोड पर, तो हम लोगों का राइड अभी फिर से शुरू है। तो आप लोगों को मालूम है ना, कल हम लोग अराउंड 5:30 के बाद शुरू हुआ था है ना, फिर तो बिरयानी खाई आप लोग देखा था, फिर ऐसे ही नॉन स्टॉप राइड था, वाड़ेयार तक आ गया, बीच में चिप्स ले लिया वो भी आप लोग देखा है, फिर बाद में हम लोग सोचा कंटिन्यूस हम लोग जाने के लिए था, बीच में हम लोगों को थोड़ा आइडिया चेंज हो गया, वो बाद में बात करेंगे। तो इसलिए हम लोग उधर वाड़ेयार में टेम्पररी, वो बंगर जैसा
बंगरबड बोलते हैं ना शोशु उसको, उसका कितना था 299 है ना शोशु, 299 रुपीस पर, उसमें वाशरूम इंक्लूडेड बस उतना ही है। तो हम लोग वही ले लिया, अलग अलग रेट है उधर, 12 घंटे का है जहाँ फ्रेशअप कुछ अलग चार्जेस है। तो हम लोग 4 घंटे सोया, इतना ऐसा नहीं है, थोड़ी देर है ना शोशु, शोशु तो थोड़ी ज़्यादा सो गई है। फिर हम लोग ऐसे ही आ गया, तो अभी तक का जानकारी इतनी है। तो हम लोग फिर अभी आगे बात करेंगे, एक 5 मिनट रेस्ट में है। शोशु कैसे बैठे, चाय जल्दी पीकर बैठे हैं, क्या हो रहा है उधर, कुछ ट्रिप वाले लोग है, कुछ कुछ कर रहे हैं। तो हम लोग इधर देखो हाईवे में, ये तो हम लोग सेलम हाईवे है ना, देखो अभी इधर भी बैठकर सो रही है वो 4 आवर ब्रेक में क्या है शोशु। हम लोग 10:15 में एंट्री हो गया, एक 11:30 तक हम लोग बैठे थे ना, फिर बाद में हम लोग सोए नहीं, वैसे ही लेटे थे, बहुत लोग आते थे ना ऐसे बंगर बैठे, तो बहुत साउंड था है ना, बीच बीच में लोग आते थे। फिर बाद में क्या है, अगर थोड़ा खिलता है गाड़ी जाते तो, फिर हम लोग सोचा था एक 4 आवर रेस्ट ब्रेक ले रहे, क्योंकि कल भी हम लोग मॉर्निंग शुरू किया था ना राइड, इसलिए बारिश भी था, बहुत भीग गया था, इसलिए हम लोग थोड़ी देर रेस्ट ले लिया। शोशु देखो अभी भी रेस्ट में ही है बेचारी, क्या करूँ। तो आगे जाएंगे, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून। एक शॉर्ट ब्रेक बोलो शोशु, शॉर्ट ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक, इतना पास में नहीं रखना। हाय गुड मॉर्निंग, हम लोग चाय पीने के बाद थोड़े आगे आ गया, तो इंडियन ऑयल का कंपनी ओन्ड पेट्रोल पंप है, ये पंप के साथ हमारा बहुत रिलेशन है ना शोशु। पुराने हम लोग राइड आते वक्त नाइट फुल बैठती थी इधर, अभी सब लोग चेंज हो गया, उस वक्त मालूम था है ना शोशु, चाय तक लेकर देती थी ना उस वक्त, वो लोग चाय पीते तो हम लोगों को भी देती थी, नाइट में हम लोग राइड आकर लेट होकर इधर बैठती थी। पुराने बहुत सालों का मेमोरी है पंप के साथ, अभी भी हम लोग ऐसे जाते तो एक बार एंट्री करके ही जाते हैं, तो हम लोग कैसे घर आकर थोड़ा ब्रश करके फ्रेशअप होके आगे जाएंगे। अभी सेलम बहुत दूर है, तो ये कौन सी जगह आएगा शोशु, पता नहीं इसका नाम मुझे याद ही नहीं आ रहा है जगह का, नियर ई रोड, हाँ ई रोड का आसपास में ही है। तो अभी फ्रेशअप होने दो, फिर हम लोग हमारा जर्नी शुरू करेंगे। अभी अराउंड 5:30 ऐसे कुछ हुआ है, अंधेरा ही है, फोगी जैसे थोड़ा लग रहा है, पता नहीं। तो फिर जाएंगे, तब तक के लिए छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर मिलेंगे। बच्ची उधर बैठी है, शोशु तो ब्रश किया, भी मैं करूँगी कि पचिंग स्टे ट्यून करो, वो ब्रश करना भी तो है, नहीं हो दिखा दो। अच्छा तो अभी ब्रश किया, फ्रेश अप हो गया, तो हमारा जर्नी उसके बाद अभी फिर से शुरू हो गया। देख लो अभी तक लाइट नहीं आया ना शोशु, हाँ। अभी थोड़ा लेट ही लाइट आते हैं शायद, तो अभी टाइम तो कितना हुआ होगा, अराउंड 5:30 के ऊपर हो गया ना। तो हम लोग धीरे धीरे हमारा जर्नी अभी सेलम की तरफ हम लोग जाएंगे है ना। तो अभी देख लो रोड में कितनी गाड़ी है, अभी नाइट राइड करते तो फुल फ्लड है ना रोड, तो चले आगे। हाय, तो अभी हम लोग और थोड़ी दूर आ गए, आप लोग देखा है ना पेट्रोल पंप में हम लोग फ्रेश अप कर हुआ था, और थोड़ी दूर आने से इधर से छोटे मोटे खूबसूरती को देखने से 1-2 मिनट ब्रेक ले लिया। हाईवे में है ना साउंड ज़्यादा, तो आप लोग एक बार देख लो सराउंडिंग्स, एक बार देख लो इधर पूजा कुछ है ना शोशु उधर, अच्छा लग रहा है उधर, मॉर्निंग भी अच्छा लग रहा है, अर्ली मॉर्निंग व्यू। उधर बैग देखो ना थोड़ा, बैग तो देखो शोशु, उधर भी एक स्टेशन ऐसे ही है टेम्पल, हाँ
फिर बात करेंगे, नहीं तो टाइम वेस्ट होते हैं ना। तो चले तू देख लो, अभी फिर से हमारा जर्नी तो शुरू हो गया। तो अभी है ना ठंडी ठंडी हवा आते है ना, अर्ली मॉर्निंग राइड कुछ अलग ही है, कुछ अलग ही किक होता है। देख लो अभी रोड भी कितने अच्छे है, ग्रीनरी है, सीनरी है, सब कुछ है। हम लोग धीरे धीरे, अभी सेलम है हमारा डेस्टिनेशन अभी, है ना, मेन तो सेलम आएगा, फिर धीरे धीरे बेंगलुरु जाने का है। तो अभी आगे जाएंगे फिर बात करेंगे। तो हम लोगों का राइड अभी सेलम तक आ गया। तो और एक बात है, हम लोग 4 आवर ब्रेक लिया था ना वालेयार में, क्यों ब्रेक लिया वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बोल देंगे। तो ये वीडियो हम लोग इधर बंद कर रहे हैं, है ना शोश, अभी नाश्ता खाना है, चाय पीना है, तो बाद में करेंगे। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।